हेलो एवरीवन, मी एंड माय किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ लौकी की स्टफ्ड मिठाई। लौकी का हलवा, लौकी की खीर, लौकी की बर्फी, लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे। आज लौकी से कुछ डिफरेंट तरीके की मिठाई बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक लौकी ली है। लौकी को इस तरीके से छील लें। मैंने ऊपर का जो पतला पार्ट होता है लौकी का, उसको कट करके हटा दिया है। नीचे से सारे पार्ट इक्वल होते हैं, जनरली इवन होते हैं, तो मैंने नीचे का पार्ट लिया है। इतनी मोटाई लेते हुए मैंने लौकी को काट लिया है। देखिए, इतनी थिकनेस हमें रखनी है, क्योंकि हमें स्टफ करना है तो थोड़ी थिकनेस रखना जरूरी है। इसी तरह से हम सारे लौकी को काट के रेडी कर लेंगे। अब एक स्पून की सहायता से मैं इसको स्कूप कर रही हूँ। इसका जो बीज का भाग होता है, बीज वाला, वो हमें निकालना है स्कूप करके, और साइड का जो पार्ट होता है उसको रखने देना है। देखिए, एक बाउल के शेप में ये बन के रेडी हो गई है। दूसरा मैं जो स्कूप करूंगी, उसको मैं दोनों तरफ से स्कूप कर दिया है। अब इसी तरीके से सारे हमें बना के रख लेने हैं। स्कूप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमें मावा अंदर फिल करना है। इस तरीके से देखिए, सारी बाउल जैसी बन गई है। लगभग मैंने सारी कर ली है। कुछ को मैंने दोनों तरफ से खाली कर लिया। लोग उस तरह से भी एक बना के देखते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल, एक पैन में पानी रखा है। इसमें मैंने डाल दिया है फूड कलर, ग्रीन कलर का। लौकी हमारी ग्रीन कलर की होती है, तो हमने फूड कलर को भी ग्रीन ही चूज किया है। अब मैंने इसमें डाल दिया चीनी। मैं दिखाना भूल गई, लेकिन दिख रहा है पैन में चीनी बॉयल हो रही है। यहाँ मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है और 500 ml वाटर लिया है। जब हमारा सिरप इसमें लौकी के पीसेस को डाल देंगे। लौकी को हमें सॉफ्ट होने तक ही इसमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि सॉफ्ट तो हो जाएंगी लौकियाँ, लेकिन आप थोड़ी ढीली नहीं होंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे लौकी को निकाल लिया है, ठंडा हो रहा है। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम मावा। आप चाहे तो मार्केट से ले लें या घर पे ही दूध से तैयार कर लें। तो ये मैंने घर पे बनाया है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, ये लिया है कोकोनट पाउडर, और कुछ ड्राई फ्रूट को हमने मावा में मिक्स कर देना है। ये देखिए, मावा में मैंने इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं। अब ये फिलिंग के लिए रेडी है। तो ये मैंने लौकी का एक पीस उठाया, इसको इस तरीके से फिल करेंगे। बहुत दबाते हुए नहीं फिल करना है, बस हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, ये मैंने दूसरा भी रेडी कर दिया है। अब इसको मैंने एक प्लेट में रख दिया है। दो मैंने बना लिए हैं। अब इसी तरीके से मैं और भी लौकी के पीसेस को मावा डाल के फिल कर दूंगी। लौकी में मावा फिल करते वक्त ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो जो लौकी की बाउल है ये फट जाएगी, लौकी टूट जाएंगी साइड से, और फिर मिठाई हमारी उतना अच्छा शेप नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने बना लिया। इसी तरीके से हम बाकी सारे जो लौकी के पीसेज हैं उसमें मावा फिल करेंगे। फिल करते समय ये ध्यान रखें कि चारों तरफ अच्छे से राउंड में फिल करें। देखिए, हमने लगा दिए इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट थोड़े। जो ड्राई फ्रूट्स हमने मिलाए थे वो उसमें मावा में, वो एक एक पीस ऊपर भी लगा दें। तो देखिए, सारे बन के पीसेज इस तरह से रेडी हो गए। अब हम इनके जो कोकोनट रखा हुआ है हमारा, इसमें हम रोल करेंगे साइड से। इनको पकड़ के हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे तरीके से कोकोनट में फोल्ड कर देंगे। लौकी के पीस हमारे मॉइस्ट हैं तो कोकोनट इसमें इजीली लग जाएंगे, इस तरह से रोल करते हुए। ये देखिए, रेड दूसरे भी रेडी हो गई। इसी तरीके से सारे को कोकोनट में रोल कर लेना है।
तो लीजिए, तैयार है मेरी लौकी की एक नए तरीके की मिठाई। आप भी ज़रूर अपने किचन में ये ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।